हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो, एक नई जानकारी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप 16 इंच या फिर 18 इंच का आटा चक्की यूज करते हो तो उस पर 200 केजी तक पिसाई कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी लोगों का मानना है और काफ़ी लोगों का दावा है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपनी टकाई जो होती है अपनी पत्थर में, वो 6 नालियाँ के बजाय 12 नालियाँ बना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 6 नालियाँ के बजाय 12 नालियाँ बना देते हैं। दोस्तों, 12 नालियाँ बनाने से फ़ायदा है, लेकिन उसमें भी नुकसान है। आपको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, या 16 इंच या फिर 18 इंच का आटा चक्की यूज करते हो तो उस पर 6 नालियाँ ही काफ़ी है, लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में बोल हमारा माल जो है थोड़ा अधिक पिसाई करेगा, इसके लिए 12 नालियाँ बना देते हैं। और 12 नालियाँ बनाने के बाद उसको दिक्कत तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कि उसके साथ प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अपना जो घिसाई किया, वो घिसाई करने वाला जो अपना पन्ना होता है उसमें थोड़ा घिसाई अधिक लग जाता है, टाइम अपना जो है वो भी लग जाता है, लेकिन फ़ायदा उतना उसमें देखने को नहीं मिलता है, उस तरह से नहीं बढ़ता है। इसका बढ़ने का कारण क्या है, कैसे बढ़ेगा, ये भी बताऊँगा मैं आपको। तो ये 12 नालियाँ जो लोग बनाते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो 12 नालियाँ आप बनाते हो अगर, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो हवा है वो थोड़ा अधिक बनेगा, आपका पत्थर जो है वो अधिक थोड़ा हीटिंग नहीं होगा, आपका पत्थर थोड़ा कम हीटिंग होगा, लेकिन देखा जाए तो वही 6 नालियाँ के बराबर ही है, कुछ खास नहीं है। क्योंकि कंपनी जो है हमारा 6 नालियाँ 18 या फिर जो 16 इंच का आटा चक्की होता है उसमें काफ़ी है 6 नालियाँ। अगर आप 20 इंची या फिर 24 इंची इससे अधिक यूज करते हो तो उसमें 12 नालियाँ की आवश्यकता पड़ती है, पर इसमें इतना अधिक आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहो तो बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 6 नालियाँ काफ़ी है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा सबसे पहले कि 16 इंच की आटा चक्की की कैपेसिटी जो अपना पिसाई करने का दिया जाता है वो 90 केजी से 95 केजी तक है, इससे अधिक है नहीं। लेकिन काफ़ी लोग ये चीज़ को बताते हैं कि उसमें 200 केजी 150 केजी तक पिसाई हो जाती है, लेकिन ये सरासर झूठ है। ऐसा कोई फेक वीडियो बनाता है तो उस पर भरोसा भी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। हाँ, आप लोग को ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 16 इंच का आटा चक्की पे 90 से 95 का लाभ पूरा उठाना चाहते हो तो इसमें हैवी मोटर की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसा आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 16 इंच का आटा चक्की यूज करते हो तो उस पर 10 HP का मोटर लगाओगे तभी वो पूरा प्रोडक्शन दे पाएगी, अन्यथा वो नहीं दे पाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप 7.5 HP या फिर 5 HP का यूज करोगे उस पर 16 इंच के आटा चक्की पे, तो वो अपना हिसाब से पिसाई देगा, 60 KG 65 KG 70 KG ऐसा हिसाब से देगा दोस्तों। लेकिन अगर आप उस चक्की का भरपूर लाभ उठाना चाहते हो तो आपको 10 HP की मोटर लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपना 18 इंच की आटा चक्की की, तो 18 इंच की जो आटा चक्की है उस पर भी 200 केजी पिसाई बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कोई आपको वीडियो बना के देता है और बताता है कोई ट्रिक्स, तो बिल्कुल भी फेक है, क्योंकि वो उतना नहीं दे सकती। अगर वो उतना दे पाती तो फिर 20 इंची और 24 इंची या फिर 26 इंची आटा चक्की निकालने की क्या आवश्यकता थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मोटर भी बढ़ा के आप अधिक नहीं निकाल सकते हो। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, अभी 18 इंच का आटा चक्की आप यूज करते हो तो 18 इंच का कैपेसिटी जो है वो 1 क्विंटल 25 KG तक है, तो 1 क्विंटल 25 KG आप घंटे में निकाल सकते हो, वो भी आपको 12.5 HP की मोटर पे। जी हाँ दोस्तों, कई लोग ये चीज़ को दावा करते हैं कि अच्छा मोटर, हैवी मोटर लगा दोगे तो आपका ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा। जैसा कि आप लोगों को मैं बताया कि एक सूटेबल जो है अपना 16 इंच की आटा चक्की के लिए 10 HP मोटर सही है, और 18 इंच की आटा चक्की के लिए 12.5 HP अच्छी है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि 15 HP लगा दो थोड़ा और प्रोटेक्शन देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ऐसा देने से आपका 10-20 का फ़र्क मिलेगा, आपको थोड़ा अधिक निकल सकता है, लेकिन आपका चक्की डैमेज हो सकती है। कैसे हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, आप जब निकालोगे भरपूर मात्रा में, उसमें माल दोगे भरपूर मात्रा में, वो जाएगी और पिसाई करेगी तो आपका पत्थर जो है बहुत हीटिंग होगा, बहुत हीट हो जाएगा और उसमें फटने का चांस रहेगा। साथ ही आपका जो चक्की भी है वो भी बहुत हीट हो जाएगी और डैमेज होने का कभी भी चांस हो सकता है। जैसे उसका लाइफ जो है वो मान लो 20 साल टिकेगी तो वो 15 साल या फिर 10 साल में ही डैमेज हो जाएगी, क्योंकि भैया आप इतना यूज कर रहे हो, उसको रगड़ रहे हो, इतना उसमें हीटिंग हो रही है जितना उसको होना नहीं चाहिए, तो वो चक्की है वो डैमेज होगी ही। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको अधिक निकालना है, अधिक पिसाई करना है,
तो आप 20 इंची 22 इंची 24 इंची तक जाइए, क्योंकि आप लोग को मैं बता दिया, अगर एक नया नया वर्कर्स इस चीज़ को यूज करता है, नया नया लेना चाहता है, तो 18 इंच का आटा चक्की ले सकता है अपने हिसाब से, अगर एक क्विंटल उसको पिसाई करना है तो, अन्यथा अगर अधिक चाहिए तो अधिक के लिए आप 20 इंची 22 इंची 24 इंची लीजिए। और किसी की बातों में नहीं आए कि वो 200 केजी पीस देगा, आप 6 नालियाँ के बजाय 12 नालियाँ 18 नालियाँ 20 नालियाँ बना लो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जितना उसकी पावर है, जितनी उसकी क्षमता है, मैंने आपको बता दिया, सूटेबल इतना ही निकाल पाएगी। और आपको विश्वास नहीं होता है तो कोई आटा चक्की अगर चलाता है तो उससे भी पूछ लीजिएगा, वो बता देगा। तो दोस्तों आप लोग को आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल पर बने रहें, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। सो धन्यवाद।